आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नया वीडियो और इस वीडियो में मेरे साथ है आज एक खास मेहमान। सलमान अली एक ऐसे शख्स है जो एक छोटे से जगह से निकलकर आज पूरी दुनिया में अपना नाम वो अपने आप बना चुके हैं। उनकी जो गाने हैं, उनकी जो गायकी है, वो उसमें एक अलग तरीके का जादू सुनाई देता है। जैसे वो कुछ भी गुनगुनाते कुछ अलग ही लेवल का होता है। आज वही सलमान अली मेरे YouTube चैनल में मेरे साथ रहेंगे, आप लोगों के सामने रहेंगे, अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल की बातें कहेंगे, किस तरीके से वो आज सलमान अली बने हैं। पहले तो मैं सलमान को वेलकम करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना डेफिनेटली चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये मेरा वीडियो पूरा देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर तो डेफिनेटली कीजिएगा। तो चलिए वेलकम करते हैं सलमान को, जो आए हुए थे गुवाहाटी में एक इवेंट के लिए। तो सलमान, वेलकम टू गुवाहाटी। गुवाहाटी मेरा शहर है, मेरी अपनी जगह है, और उसमें आज सलमान अली आए तो मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वेलकम टू गुवाहाटी। गुवाहाटी आकर आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो थैंक यू, और गुवाहाटी आकर मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और यहाँ के लोग बहुत सुनकर। थैंक यू सो मच। पहले मैं आपसे ये पूछना डेफिनेटली चाहूँगी कि एक रियलिटी शो से निकलकर आज का ये सलमान अली जो बना है, ये जो जर्नी था, वो जर्नी आपके लिए कैसा था? मेरी इंडियन आइडल की जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। वो भी मेरा एक परिवार है और था, हमेशा रहेगा। वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ को मैंने वहाँ पर जिया है, सीखा है। वहाँ से निकलने के बाद एक और अलग दुनिया और बन गई, जो कि बाहर फैंस, जो कि पता नहीं था कि इतने सारे फैंस होंगे हमारे। आज हम जहाँ भी जाते हैं, लाइव शो करते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, तो लोगों की आंखों में वो चमक, वो प्यार दिखता है। वो सिर्फ एक इंडियन आइडल की वजह से मिला है हमें। एक रियलिटी शो से निकलने के बाद आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी लोगों के बीच जाता है कि एक रियलिटी शो से भी लोगों को इस तरीके के मौके, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप क्या कहना चाहोगे? कितनी मेहनत करी है, तो मुझे पता है कि आज मुझे लोग प्यार करते हैं, तो मुझे अपने फैंस की कदर है, क्योंकि मैंने उसको कमाया है बहुत ज़्यादा। आने वाले प्रोजेक्ट में भी मैं बहुत, आपको जिससे सभी को पता है कि दबंग 3 में मैंने गाया है, हमेशा उसमें के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। अभी बहुत कुछ नया आने वाला है, बहुत सरप्राइज है आप लोगों के लिए। आपको कभी असामीज मूवी में भी अगर ऐसा कुछ चांस मिले तो क्या आप गाना चाहोगे? असामीज मूवीज में कुछ गाने का मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर गाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी यहाँ के लोग भी मुझे प्यार दें, और यहाँ के लोग भी मुझे जो चाहते हैं वो मुझसे सुनना, वो सुने, तो मैं ज़रूर गाना चाहूँगा। तो सलमान अली आज मेरे साथ है, थोड़ा अगर 2-4 लाइन गुनगुना ना दे तो कैसे होगा? क्योंकि सलमान अली के मुंह से गाना सुनना मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। तो कोई भी 2 लाइन मेरा खुद का गाना गाता हूँ। आशिकी का गम हम पिए जा रहे, तेरा नाम लेकर हम जिए जा रहे। थैंक यू सो मच सलमान, आपने मुझे इतना टाइम दिया। तो जाते जाते आप क्या बोलना चाहोगे? मौसमी दीदी के लिए मैं बस ये बात बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत प्यारी है, हमेशा मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत साथ दिया मेरा उन्होंने, और आइडल में हमारे साथ थी, वो हमको मैनेज करती थी, कंटेस्टेंट मैनेजर, और उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो उनके लिए, मौसमी दीदी के लिए मेरा बहुत सारा प्यार, और मैं तो खैर क्या उनको आशीर्वाद दे सकता हूँ, लेकिन छोटे भाई होने के नाते से मैं उनको बहुत सारा आशीर्वाद, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच सलमान, इतना टाइम आपने हमें दिया, थैंक यू सो मच। ये था मेरा आज का वीडियो, आज मेरे साथ थे सलमान अली। डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर मैं थोड़ी और अच्छी लगने लगी हूँ तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए।
फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहे, प्यार से रहे और मुझे मिस कीजिए।